विधानसभा चुनाव को लेकर जेजेपी की तरफ से एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि नैना सिंह चौटाला इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगी। नैना सिंह चौटाला बाड़ा से विधायक हैं, लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव में वो चुनावी दंगल में नहीं उतरेंगी। जेजेपी ने अभी तक इस बात की घोषणा नहीं की है और खरी खरी न्यूज आपको सबसे पहले ये जानकारी दे रहा है कि नैना चौटाला इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी। नैना चौटाला विधानसभा का चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगी और उसकी भरपाई दुष्यंत चौटाला बाड़ा में कैसे करेंगे, ये जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज की इस खरी खरी खबर को जरा गौर से सुनिए। के विधानसभा चुनाव में नैना सिंह चौटाला ने दुष्यंत चौटाला के प्रति बने बड़े क्रेज को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने बाड़ा से चुनाव और विधायक बनी। 2014 में वो डबवाड़ी से विधायक बनी थी। डबवाड़ी में उससे पहले 2009 में अजय सिंह चौटाला विधायक बने थे। 2019 में बाकी हरियाणा में दुष्यंत चौटाला का डंका बज रहा था, लेकिन सिरसा जिले में अजय सिंह चौटाला मजबूत थे, इसलिए नैना चौटाला ने कोई रिस्क नहीं लिया और उन्होंने डबवाड़ी की बजाय बाड़ा से चुनाव लड़ा और उनका वहाँ से चुनाव लड़ना फायदेमंद भी रहा और वहाँ से विधायक बन गई। लेकिन 2019 में जो उनके प्रति पॉजिटिव माहौल था, वो माहौल अब बाड़ा में बिल्कुल खराब हो चुका है। वहाँ पर जेजेपी नैना सिंह चौटाला दोनों के प्रति बड़ी नेगेटिविटी है और उनके चुनाव जीतने के आसार नहीं है, इसलिए वक्त की नजाकत को समझते हुए ही नैना सिंह चौटाला ने वहाँ से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है और ये फैसला बिल्कुल परफेक्ट और बेहतर कहा जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि दुष्यंत चौटाला बाड़ा में नैना चौटाला की भरपाई के लिए किसे प्रत्याशी बनाने का फैसला लेंगे, किसे वो चुनावी दंगल में उतारने का निर्णय लेंगे। दुष्यंत चौटाला के पास बाड़ा हल्के में नैना सिंह चौटाला के विकल्प के तौर पर 7 ऑप्शन हैं। इन 7 ऑप्शनों के जरिए दुष्यंत चौटाला अपनी पार्टी के सबसे मजबूत चेहरे को चुनावी दंगल में उतार सकते हैं। विकल्प नंबर 1 है नरेश द्वारका। नरेश द्वारका अजय सिंह चौटाला के बेहद करीबी साथियों में हैं और उन्हें 4 बार जिला अध्यक्ष भी बनाया गया है। इस बार वो जिला अध्यक्ष नहीं है, लेकिन इस बार उन्हें अपनी वफादारी को साबित करना चाहिए, उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन खबर ये आ रही है कि नरेश द्वारका चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने सोची समझी रणनीति के तहत ही सज्जन बलाली को जिला अध्यक्ष बनाया है, वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी पहला विकल्प पहले ही चरण में खारिज हो जाता है। दूसरा विकल्प है संजीव मंदोला। संजीव मंदोला जिनाधार के मामले में जेजेपी के पास बाड़ा सीट पर सबसे बड़े नेता हैं, उनका बड़ा जनाधार है, उनके बड़े संपर्क है, वो कर्मचारी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, प्रभारी भी रहे हैं, लेकिन वो भी चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है, इसलिए दूसरे विकल्प के तौर पर भी दुष्यंत चौटाला को ना मिलती है। तीसरे विकल्प के तौर पर नए जिला अध्यक्ष सज्जन बलाली हैं। सज्जन बलाली 6 महीने पहले ही जेजेपी में आए थे और दुष्यंत चौटाला ने उन पर भरोसा करते हुए उन्हें जिला अध्यक्ष बना दिया है। अगर दुष्यंत चौटाला उन्हें चुनावी मैदान में उतारने का फैसला लेते हैं तो उन्हें मजबूरी में चुनाव लड़ना पड़ सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, इसलिए दुष्यंत चौटाला को विकल्प नंबर 4 के ऊपर सोचना पड़ सकता है। और विकल्प नंबर 4 है हल्का प्रधान ऋषि पाल उमरवास। लंबे समय से वो देवीलाल परिवार चौटाला परिवार के साथ जुड़े रहे हैं। इनेलो की सरकार में विधायक रणबीर मंदोला के पीए के तौर पर काम करने वाले ऋषि पाल उमरवास ने दुष्यंत चौटाला के साथ निष्ठा से रिश्ता निभाया है, इसलिए उन्हें हल्का प्रधान बनाया गया है। अगर उन्हें दुष्यंत चौटाला प्रत्याशी बनाते हैं तो वो भी अच्छा फैसला रहेगा। पर दावेदारी में नंबर 4 पर आते हैं भूप सिंह मांडी। मांडी गाँव पूरे इलाके में जाना माना गाँव है, क्योंकि वहाँ से 4 विधायक बन चुके हैं। ऐसे में भूप सिंह मांडी को भी दुष्यंत चौटाला प्रत्याशी बना सकते हैं। वैसे भी सिंह मांडी ने बरसों से चौटाला परिवार के लिए, अजय सिंह चौटाला के लिए पसीना बहाने का काम किया है और ऐसे में अगर उनको प्रत्याशी बनाने का फैसला लिया जाता है तो वो भी बिल्कुल सही रहेगा। छठे नंबर पर आते हैं राजकुमार कादमा। राजकुमार कादमा किसानों के नेता के तौर पर जाने जाते हैं, वो पूर्व शिक्षक भी रहे हैं। कादमा गाँव इलाके का सबसे खास गाँव माना जाता है। अभी तक किसी पार्टी ने वहाँ से प्रत्याशी नहीं उतारा है, इसलिए दुष्यंत चौटाला अगर राम कुमार कादमा को प्रत्याशी बनाते हैं तो फैसला भी असरदार कहा जाएगा। अगर दुष्यंत चौटाला महिला कोटे के तौर पर नैना चौटाला के रिप्लेसमेंट के लिए अगर महिला प्रत्याशी को तलाशने का काम करते हैं तो उनकी चॉइस के तौर पर सिर्फ और सिर्फ एक ही मजबूत चेहरा सामने आता है, वो है विजय सोरण काकड़ोली की पत्नी मोनिका सोरण। मोनिका सोरण
जिला पार्षद रही हैं और वो लंबे समय तक अपने परिवार की निष्ठा के साथ, अपने पति के साथ, अन्य लोगों के साथ में जुड़ी रही। उसके बाद में जेजेपी के साथ भी खड़ी रही। विजय सुरण काकड़ोली अजय सिंह चौटाला के बेहद करीबी वफादार साथियों में शामिल हैं और उन्होंने उस समय भी करोड़ों रुपए का ऑफर ठुकरा दिए थे जब जिला पार्षद के तौर पर उनकी पत्नी के वोट की बेहद बड़ी वैल्यू थी। यानी उन्होंने अजय सिंह चौटाला की वफादारी के लिए जिला परिषद की चेयरमैनी को भी ठुकराने का काम कर दिया था। अब उनका इलाके में अगर रसूख के बारे में चर्चा करें तो तीन काकड़ोलियों के वोट उनके साथ में खड़े नजर आते हैं क्योंकि तीनों एक ही परिवार के गांव हैं और इसके अलावा चिड़िया गांव की रहने वाली होने के चलते भी, चिड़िया गांव की बेटी होने के चलते भी मोनिका सुरान को वहां से भी अच्छे वोट मिलेंगे। जगराम बास में भी उनका मामे का गांव है, वहां से भी उन्हें अच्छे वोट मिलेंगे। यानी अगर दुष्यंत चौटाला मोनिका सुरान को प्रत्याशी बनाते हैं तो उन्हें लगभग 12 से 15 हज़ार वोटों का बड़ा सहारा मिलेगा। यानी दुष्यंत चौटाला अगर महिला कोटे से टिकट देने का फैसला लेते हैं तो मोनिका सुरान सबसे बेहतर प्रत्याशी रहेंगी। अब देखने की बात यही है कि दुष्यंत चौटाला का मन किस पर ठूकता है, दुष्यंत चौटाला किस पर भरोसा करते हैं और किसे चुनावी दंगल में उतारने का फैसला लेते हैं। बड़ा सीट के ऊपर जेजेपी की चुनावी संभावनाओं को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। बड़ा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में होने वाले घमासान का परिणाम जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। बड़ा हल्के में जेजेपी के संभावित प्रत्याशी के सियासी अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।